नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरिहरनाथ त्रिवेदी अपने इस यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जिससे 50 वर्ष के ऊपर वाले सभी पुरुष पीड़ित हो रहे हैं और ये एक महामारी की तरह फैलते जा रहा है। 50 के ऊपर होते होते ही ये समस्याएं लोगों में दिखना आरम्भ हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में बहुत से लोग काफी परेशान रहते हैं। इस बीमारी का नाम है प्रोस्टेट का बढ़ना। प्रोस्टेट के बढ़ने के कारण कई लोगों को पेशाब में काफी दिक्कत होता है और अगर इसका सही समय पर उपचार ना किया जाए तो बाद में तो आगे चलकर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे पेशाब बंद हो जाता है उस समय कैथेटर की आवश्यकता होती है। अगर किसी भी व्यक्ति का पेशाब बंद हो जाता है उसे कैस्टर लगाकर तुरंत पेशाब को ब्लैडर से खाली करवा देना चाहिए, अन्यथा काफी परेशानी बढ़ जाती है। प्रोस्टेट के बढ़ने के कारण प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो हम क्यों ना आरंभ में ही इसकी रोकथाम की व्यवस्था करें जिससे आगे ऐसी समस्या उत्पन्न ही ना हो। तो आज मैं आप लोगों के साथ प्रोस्टेट के लिए होम्योपैथिक का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूं जिसका सेवन करके आप समय रहते प्रोस्टेट को बढ़ने से रोक सकते हैं और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्रायः आप सभी सुनते होंगे कि 50 या 55 वर्ष के पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या उत्पन्न हो जा रही है। इसका प्रमुख कारण है हमारा खान पान, हमारा रहन सहन। पिछले कई दशकों से हमारे खान पान एवं रहन सहन में बहुत ज्यादा बदलाव आया है जिस वजह से कई प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर को जकड़ रही है। इसमें एक प्रोस्टेट भी है। प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने के कारण पेशाब जल्दी जल्दी होना, खुलकर पेशाब ना होना, अंत में बूंद बूंद पेशाब करना, ब्लैडर के पास दर्द होना, ऐसी कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पेशाब बंद हो जाना, ऐसी परिस्थिति के लिए होम्योपैथिक का आज मैं एक कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूं जिसका सेवन करके आप इस समस्या से बचाव कर सकते हैं एवं प्रोस्टेट को बढ़ने से रोक सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन में पहली औषधि है शैवाल सेरुलटा। शैवाल सेरुलटा को आपको 30 पोटेंसी में लेना है। यह हमारे प्रोस्टेट को बढ़ने से रोकती है, साथ ही साथ पेशाब के फ्लो को भी नियंत्रित करने में कारगर है। प्रोस्टेट के लिए ये औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। इस औषधि की क्रिया मूत्र यंत्र पर पड़ती है। शैवाल सेरुलटा में इतनी शक्ति है कि वे बढ़े हुए प्रोस्टेट को भी छोटा कर देती है, अगर नियम पूर्वक इसका सेवन किया जाए तो। इस कॉम्बिनेशन में दूसरी औषधि है कैल्केरिया फ्लोर। कैल्केरिया फ्लोर को भी आपको 30वीं शक्ति में व्यवहार में लाना है। कैल्केरिया फ्लोर का काम है कि बढ़े हुए प्रोस्टेट को छोटा करना, यह आपके बढ़े हुए प्रोस्टेट को छोटा कर देती है। तीसरी औषधि है थूजा। थूजा हमारे पेशाब के फ्लो को नियंत्रित करती है एवं पेशाब में किसी भी प्रकार के इंफेक्शन को भी दूर करने में ये कारगर औषधि सिद्ध हुई है। चौथी औषधि है इसमें क्लीमेटिक इरेक्टा। क्लीमेटिस इरेक्टा का भी कार्य पेशाब के फ्लो को नियंत्रण करना है। बार बार जिन्हें पेशाब लगता है एवं थोड़ा थोड़ा पेशाब होता है ऐसी परिस्थिति में भी क्लीमेटिक इरेक्टा बहुत ही कारगर औषधि सिद्ध हुई है। एवं महत्वपूर्ण औषधि है बोरेलिया डिफ्यूजा को भी आपको 30वीं शक्ति में व्यवहार में लाना है। यह हमारे शरीर को पुनर्जीवन प्रदान करती है। अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कमी हो या हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का इंफेक्शन हो या हमारा कोई सेल मर गया हो तो उसे पुनर्जीवित करने की शक्ति यह औषधि रखती है। इन पांचों औषधियों को आपको समान मात्रा में मिला लेना है। तथा 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर एवं 2 बूंद रात्रि में आप इसका प्रतिदिन सेवन करें। लगातार आप 15 दिनों तक इस औषधि का सेवन करें, आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा।
जब आपको लाभ मिलना शुरू हो जाए तो इस औषधि को कंटिन्यू 4 महीने तक आप चला दें। आप देखेंगे कि आपकी प्रोस्टेट की समस्या समाप्त हो जाएगी और आप पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते चलते आपसे इतना अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।